السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ناظرين الكرام، استوديو الأذان سماء प्रोग्राम काम की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दुनिया में अक्सर लोग माल कमाते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो इंसान कमाते हैं, आदमी कमाते हैं और लोग कमाते हैं। माल की कमाई बहुत आसान है, पर इंसानों को कमाना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। माल वो ईमानदारी से भी कमाया जा सकता है, बेईमानी से भी, खियानत से, धोखे से, चर्ब जबानी से, होशियारी से, झूठ से, मकरो फरेब से, जुल्म और ज्यादती से, उदवान और सरकशी से। माल कमाने के बेशुमार तरीके इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन याद रखिए, इंसान सिर्फ अखलाक से कमाए जा सकते हैं, इंसान सिर्फ कैरेक्टर से कमाए जा सकते हैं, इंसान सिर्फ किरदार से कमाए जा सकते हैं, इंसान सिर्फ अमल से कमाए जा सकते हैं, इंसान मीठी जबान से कमाए जाते हैं, इंसान मीठे बोल से कमाए जाते हैं, इंसान हुस्ने सुलूक से कमाए जाते हैं, इंसान हुस्ने मामला से कमाए जाते हैं। और दोनों कमाइयों में बहुत फर्क है। माल की कमाई ये बस दुनिया में काम आने वाली, आखिरत में ये कमाई कुछ काम आने वाली नहीं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, कि कियामत तो वो दिन है जिस दिन ये ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे। और रहे ये दूसरी कमाई, लोगों की कमाई, याद रखिए ये जहां दुनिया में हमारे काम आती है, हमारी हर मुसीबत में, हमारी आवाज पे, हमारे इर्द गिर्द हमारे हमदर्दों और हमारे गमखारों की एक भीड़ जमा हो जाती है, वहीं ये दूसरी कमाई जो इंसानों की कमाई है, लोगों की कमाई है, वो रोजे कियामत भी हमारे काम आने वाली है। जब प्यारे नबी ने अहादीस में ये इरशाद फरमाया है कि हमारे अखलाक और किरदार से मुतासिर होकर अल्लाह की मखलूक जो गवाही हमारे सिलसिले में देगी, हश्र की अदालत में हमारे अंजाम को बनाने और बिगाड़ने में लोगों की ये गवाही बड़ा असर रखती है। बुखारी शरीफ की एक हदीस में प्यारे नबी ने सहाबा से मुखातब होकर फरमाया था अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्ज, तुम इस जमीन में अल्लाह के गवाह हो, तुम्हारी गवाहियों के मुताबिक अल्लाह अपने बंदों के अंजाम का फैसला करेगा। खुशनसीब है वो जो दुनिया में पैसा कमाए ना कमाए, रुपया कमाए ना कमाए, लेकिन वो दुनिया से जाता है, लोगों को कमा के जाता है, कि लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत है, लोग हर कोई उसे चाहने वाला, हर कोई उसकी कदर करने वाला, उसके पीठ पीछे भी उसका जिक्र खैर करने वाला। याद रखिए, मालदार वो नहीं जिसके पास माल की कसरत हो। कितने मालदार ऐसे हैं जो हकीकत में देखा जाए तो माल रखते हुए भी गरीब हैं, कि लोगों में कोई नहीं उन पीठ पीछे उनका जिक्र खैर करने वाला, उनके शर से हर कोई पनाह मांगता है। ऐसों के पास कारून के खजाने भी मौजूद हों, बेसूद हैं, अबस हैं, बेकार हैं। और कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास रुपया पैसा तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अखलाक और किरदार के बल पर इंसानों को कमाया है, लोगों को कमाया है। ये कुछ ना रखते हुए भी इस जमीन के सबसे बड़े मालदार वो है। आइए अहद करें कि हम दुनिया में पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन इंसान कमाने वाले जरूर बने। और याद रहे कि इंसान कैरेक्टर से कमाए जाते हैं,
मीठी जबान से कमाए जाते हैं, धोखा मकरो फरेब चालबाजी और होशियारी से नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को इस अजीम नसीहत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।